Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. आज की वीडियो में हमने ये देखेंगे कि हम C++ में C++ लैंग्वेज को यूज़ करते हुए एक नंबर की पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाइक 2 power 8 अगर कैलकुलेट करनी हो विदाउट यूजिंग एनी बिल्ट इन फंक्शन, तो उसकी लॉजिक कैसे हम डिज़ाइन करेंगे। तो आइए हम कोड ब्लॉक्स में आते हैं। कोड ब्लॉक्स में जाके मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन, C++ पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट। और यहाँ पे मैं अभी क्योंकि मैं पावर का एक प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने पावर QQQ के नाम से एक प्रोजेक्ट टाइटल अपना बनाया। आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, फिनिश। और इसके बाद ये हमारे पास स्टेटमेंट्स आ गई हैं C++ की। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले यूज़र से हम एक नंबर लेते हैं जो कि जो कैलकुलेट जो जिसकी आपने पावर कैलकुलेट करनी है, लाइक बेस हम सबसे पहले लेते हैं, एंटर द बेस, ठीक है। तो इसके फौरन बाद मैं सी इन करता हूँ एक वेरिएबल लाइक मैं बेस को मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो पहले मुझे बी को डिक्लेयर भी करवाना पड़ेगा, और इसी तरह मैं जो उसका एक्सपोनेंट है उसको भी डिक्लेयर करवा लेता हूँ, ठीक है। तो बी भी हमारे पास हो गया और ई भी हो गया, ठीक है। तो बी और ई दोनों वेरिएबल्स हैं, बी हमारे पास बेस है और ई एक्सपोनेंट। तो एंटर द बेस जब हमने किया तो यूज़र बी में वैल्यू डाल देगा। इसी तरह फिर उसके बाद मैं ये प्रिंट करवाना चाहता हूँ, कंसोल विंडो पे लिखा हुआ आएगा कि एंटर द एक्सपोनेंट, एंटर द एक्सपोनेंट करेंगे तो यहाँ पर यूज़र ई में वो वैल्यू स्टोर करेगा। अब हमने ऐसे करना है कि बी पावर ई कैलकुलेट करनी है। तो किसी भी नंबर की अगर पावर कैलकुलेट की जाए तो उसका मतलब ये होता है कि आप उस नंबर को उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें जितनी दफ़ा वो पावर का कहा गया। लाइक अगर 2 power 4 करनी है तो उसका मतलब ये है कि आप 2 को 4 दफ़ा मतलब मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 2 to the 4, 4 to the 8, और 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 आ जाएगा। तो क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन एक रेपिटेशन है, ठीक है, बार बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप इसको लूप में यूज़ कर लें। लाइक लूप जो है, अगर फ़र्ज़ करें आप बी की पावर ई कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने बी को ई टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये हुआ कि आपने अपने लूप को ई टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना है। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ। फॉर लूप में मैं मेंशन करता हूँ इंट आई इक्वल टू 1 और आई इज़ लेस देन एन इक्वल टू ई, क्योंकि मैंने इसे ई टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, और यहाँ पर आ जाएगा i++। और इसके अंदर अब मैंने ये करना है कि बी को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है ई के साथ बार बार, तो ई टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई करवाना है किसको, बी को। तो बी बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद फिर बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद बी से मल्टीप्लाई होगा, और जब तक ये ई टाइम्स मल्टीप्लीकेशन नहीं हो जाएगी तब तक ये लूप चलता रहना चाहिए। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, इंट पी, पी फॉर प्रोडक्ट कर देते हैं, पी इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम पी इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय जो यूज़र ने बेस दिया है वो लिख लेते हैं। तो इससे होगा क्या, चेक करते हैं जी। पी की वैल्यू पहले 1 होगी, तो जब आई की वैल्यू 1 से शुरू होगी और ई पे जाके ये एंड होगी, तो होगा यूँ कि जब पी, ये जो पी है हमारा, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और ई पे एंड होगी, ये तो क्लियर है। अब अगर फर्ज करें यूज़र ने ई इंटर किया हुआ 3 और बी इंटर किया हुआ 2, तो ये लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, 3 दफ़ा, और बी में क्योंकि 2 स्टोर है तो 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, अपने आप से। तो इसको देखते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो पी जिसमें 1 स्टोर है वो बी से मल्टीप्लाई होगा जिसमें 2 स्टोर है, तो 1 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पी में क्या आ जाएगा, 2। नेक्स्ट टाइम पी में क्या स्टोर है, 2, और ई आई की वैल्यू अब चेंज हो चुकी है, अब अगली दफ़ा बी से वो दोबारा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो पी की वैल्यू जो 2 है वो अब फिर 2 से मल्टीप्लाई होगी, और पी की वैल्यू अब हो जाएगी 4। नेक्स्ट टाइम पी की वैल्यू क्या होगी, 4,
फोर दोबारा से बी के साथ जो कि टू है उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और पी में क्या हो जाएगा, एट। तो यहाँ पे जाके लूप क्लोज हो जाएगा क्योंकि आपने ई की वैल्यू थ्री रखी हुई थी। तो इस तरीके से आप जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी नंबर की पावर। तो पी में इन दी एंड क्या स्टोर होगा, टू पावर थ्री। तो इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। सी आउट, सी आउट में मैं लिखता हूँ द रिजल्ट इज, और रिजल्ट में हम यहाँ पे पी लिख लेते हैं एंड एल। अच्छा अब इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, देखते हैं कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। एग्जीक्यूट किया, इसमें एक एरर है। ठीक है, इसमें एरर क्या है जी, यहाँ पर एक आई कॉलन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था सेमी कॉलन। ठीक है, तो आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू ई और आई प्लस प्लस। इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, अब इसमें कोई भी एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। इसको मैं, ये कंपाइलेशन होगी, कंपाइलेशन के बाद एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन में आपसे पूछा जा रहा है कि एंटर द बेस। ठीक है, मैं बेस एंटर करता हूँ टू, और फिर बाद में वो पूछ रहा है एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, मैं थ्री एंटर करता हूँ और लिखा हुआ है द रिजल्ट इज एट। राइट, अब इसको किसी और नंबर के लिए भी चेक कर लेते हैं। दोबारा एग्जीक्यूशन की, एंटर द बेस थ्री और इसकी पावर हम फोर चेक कर लेते हैं। थ्री की पावर फोर क्या होती है, तो वो 81 है। राइट, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर की, किसी भी, कोई भी बेस हो और कोई भी एक्सपोनेंट हो, तो आप उसकी किसी बेस की एक्सपोनेंट पावर कैलकुलेट कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।